Assalamualaikum. Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack SSC and Railway Examinations. दोपहर के एक बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं. तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ यहां पर जुड़ सकें. आपको जैसा कि मालूम है कि हमने एक बहुत ही शानदार सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है जिसका नाम है एक्सप्रेस 365 डेज करंट अफेयर्स. बेटा अब करंट अफेयर्स ना एक दिन की पढ़ी जाएगी, ना एक महीने की पढ़ी जाएगी, ना ऐसे पढ़ी जाएगी. अब करंट अफेयर्स पूरे साल की पढ़ी जाएगी. जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है आजकल एग्जाम्स में और हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए. आप देख सकते हैं, ये हमारी टीम है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशंस. बेटा ये वो टीम है जो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आपको एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए. ठीक है बच्चों, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में. आप जैसा कि जानते हैं, आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं 3 और 4 जनवरी 2020 के. ठीक है, तो आपको मालूम है कि मैंने 1 जनवरी से करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है और अब हम लोग पूरे पूरे साल की करंट अफेयर्स करेंगे. तो हर दिन 2 दिन की करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था 1 और 2 जनवरी 2020, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 और 4 जनवरी 2020. ठीक है बेटा, सो आज जो है 3 और 4 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि भैया हमारी तैयारी कैसी और किस तरीके की चल रही है. ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपको मालूम है भाई, हमारा लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशंस आपको मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी. आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, अपनी चॉइस के टीचरों से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. अन अकेडमी लर्निंग ऐप, भाई ये ऐप जो है आपके पास होनी चाहिए. व्हाट्सएप रखते हो, फेसबुक रखते हो, इंस्टाग्राम रखते हो, तो फिर ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपके पास क्यों नहीं है. मैंडेटरी ऐप है, भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास अन अकेडमी लर्निंग ऐप होनी ही चाहिए. ये बहुत मैंडेटरी और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं बच्चों. ठीक है, एक सेकेंड, आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं बच्चों, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का. सो आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का. आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए QALIVE, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन पे. सो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, आपको जो है बेटा आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है 1, 3, 6, 12, 24 महीने पे. हालांकि जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन होते हैं वो 12 महीने और 24 महीने के हैं. 24 महीने का सब्सक्रिप्शन इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 24 महीने की फ़ीस आप मात्र 13 महीने की फ़ीस में जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन देखिए 5400 रुपये में, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 1080 रुपये में. सो 13 महीने के फ़ीस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है. लेकिन ये उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं. ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा होता है. अगर आपको लगता है कि आप 1 साल में पेपर निकाल लेंगे, क्योंकि बेटा आपको पेपर बहुत सारे पूरे साल भर देने हैं. आप देखेंगे कि आपको पूरे साल बहुत सारे पेपर देने हैं बच्चों. ठीक है, सो आपको पेपर देना है पूरे साल में, CGL का, CPO का, CHSL का, बहुत सारे पेपर आपको पूरे साल भर देने होते हैं. IB देना है, ये देना है, वो देना है. तो इसलिए बेटा आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो हैं एक बार में 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें. मेरा कोड इस्तेमाल करें QALIVE, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी यहां पर मिलता है. ठीक है, ओके. वॉल्वरिन, कोई परेशानी नहीं है, आप आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में. ठीक है बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है वॉल्वरिन साहब. आगे बढ़ते हैं, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है. आप देख सकते हैं बेटा, आज शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हो चुका है हमारा नया बैच. आपको मालूम होना चाहिए हमारा नया बैच कल से ही शुरू हो चुका है और ये बैच जो है एसएससी सीजीएल 2020 के लिए बेटा एक फाउंडेशन कोर्स है. ठीक है, सो फाउंडेशन कोर्स है, कल से ही हमारा शुरू हुआ है. आप इसमें हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर 300 प्लस आवर्स मिलेंगे, 200 प्लस लाइव क्लासेस हैं, PDF हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशन है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर
पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8851900221। सो 8851900221 पे आप हमारे साथ जुड़ जाइए, यहां पर आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, सो फाउंडेशन कोर्स है, आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इस बैच में आपको कौन कौन पढ़ाने वाला है। तो डॉक्टर अमित सिसोदिया सर इसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, रणधीर सर इसमें मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, नीतू ढाका मैम आपको इसमें साइंस का सेक्शन पढ़ाएंगी और मोहित कवात्रा सर आपको इसमें रीजनिंग का सेक्शन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई अब बात ये आती है थर्ड और फोर्थ जनवरी 2020 के टोटल कितने क्वेश्चंस निकल के आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस निकल के आए हैं। ठीक है बेटा, तो टोटल 20 क्वेश्चंस निकल के आए हैं थर्ड और फोर्थ के। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रहा। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर द क्विक ग्रीवियंस एंड इंक्वायरीज फॉर द पैसेंजर्स ड्यूरिंग द जर्नी। जल्दी बताओ। सो कौन सा नंबर जो है इंडियन रेलवेज द्वारा स्टार्ट किया गया है क्विक ग्रीवियंस एंड इंक्वायरीज फॉर द पैसेंजर्स। 141, 139, 140, 138 आपको मालूम है कि इंडियन रेलवेज ने, याद रखिएगा, जल्दी बताइए अंजलि कुमारी। सो इंडियन रेलवेज ने, याद रखिएगा बच्चों, कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है पैसेंजर्स के लिए, आपको मालूम होना चाहिए, जल्दी बताइए। सो इंडियन रेलवेज ने जो हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है पैसेंजर्स के लिए वो है आपका 139। सो 139 जो है बेटा, 139, ये इंडियन रेलवेज का जो है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी आ जाइए क्लास में। तो 139 ये नंबर जो है इंडियन रेलवेज ने शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन है ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये पूछा गया है विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल लाई हरोबा। जल्दी बताइए। सो कौन से स्टेट ने जो है बेटा ये फेस्टिवल अभी रिसेंटली बनाया है लाई हरोबा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम, जल्दी बताइएगा। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल लाई हरोबा। रिचुअलिस्टिक मतलब कि इसमें रिचुअल्स होते हैं, याद रखिएगा। सो कौन सा है ये स्टेट, और ये स्टेट का नाम जो है वो है बेटा आपका त्रिपुरा। ठीक है, सो त्रिपुरा राज्य ने जो है बेटा इसे बनाया है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर्स भाई एवरीवन, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जल्दी बताइए। सो कौन से राज्य ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया है। तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है। तो कौन सा राज्य जो है सन 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है। तेलंगाना, एमपी, केरला, कर्नाटका, फास्ट जल्दी जवाब दें सब लोग। सो कौन सा राज्य जो है उसने 2020 को ईयर ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट आंसर इज ए, दैट इज तेलंगाना। सो तेलंगाना ने जो है बेटा 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ साइबर सेफ वुमेन कैंपेन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फूले। अब ये आंसर आपके सामने है, आपको मालूम है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ साइबर सेफ वुमेन कैंपेन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फूले। तो सावित्री बाई फूले कौन से राज्य की है आपको मालूम होना चाहिए। सो किस राज्य से राइट आंसर होगा बेटा, याद रखिएगा, साइबर सेफ वुमेन कैंपेन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फूले, राइट आंसर इज विल बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर होगा। सो महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल एस्टैब्लिश इट्स सेकेंड लॉन्च पोर्ट टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स। जल्दी बताइएगा। सो कौन से शहर में इसरो जो है एस्टैब्लिश द सेकेंड लॉन्च पोर्ट टू लॉन्च द स्मॉल सैटेलाइट, छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो कहां बनाएगा। तो ये है कोची केरला में, टूथुकुडी तमिलनाडु में, बेंगलुरु में या कटक में, जल्दी बताइएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इसरो एस्टैब्लिश इट्स सेकेंड लॉन्च पोर्ट
टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. राइट आंसर विल बी तूतुकुडी. तूतुकुडी कहां पर है? तमिलनाडु में. सो राइट आंसर विल बी तूतुकुडी. तूतुकुडी जो है तमिलनाडु. राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स क्वींस यूनिवर्सिटी? जल्दी बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 6 का पूछा गया है. सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स क्वींस यूनिवर्सिटी? देखिए भाई, हिलैरी रॉडमन क्लिंटन है, चेल्सी क्लिंटन है, सोनम कपूर है, एलिजाबेथ वॉरेन. सोनम कपूर, अब देखिए सोनम कपूर भी हो सकती है क्या चांसलर? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? सो फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ द यूके क्वीन यूनिवर्सिटी. तो यूके की क्वीन यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल चांसलर कौन है? राइट आंसर विल बी, जल्दी बताइए. राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, हिलैरी रॉडमन क्लिंटन. सो हिलैरी रॉडमन क्लिंटन जो है बेटा, राइट आंसर ए हो जाएगा. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रहा. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन? सो पहला चेयरमैन ऑफ एनएमसी, एनएमसी का पहला चेयरमैन कौन है? नेशनल मेडिकल कमीशन. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. सुरेश चंद्र शर्मा है, महेश वर्मा है, राजेंद्र पांडे है, सुरेंद्र वर्मा है? जल्दी बताइएगा. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, याद रखिएगा. हमारे देश में अभी रिसेंटली बना है नेशनल मेडिकल कमीशन, और नेशनल मेडिकल कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सुरेश चंद्र शर्मा साहब. सो सुरेश चंद्र शर्मा जो है बेटा, नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले चेयरमैन है. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए है. क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डेजिग्नेटेड बाई द WHO टू बी ऑब्जर्व्ड एज द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. सो यूनाइटेड नेशंस ने किसी ईयर को जो है ऑब्जर्व्ड एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ जो है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट आंसर क्या होगा? 2022, 2020, 2021 या 2023? अब जाहिर सी बात है कि हम लोग करंट अफेयर्स जो है किसका पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स 2020 का पढ़ रहे हैं. सो जाहिर सी बात है यहां पर तो आंसर आपको मालूम ही है कि कौन सा हो सकता है. राइट आंसर विल बी 2020. ठीक है, तो 2020 को ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ बताया है किसने? यूनाइटेड नेशंस ने. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ऑफ DRDO वॉज अनवील्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन इवेंट इन बेंगलुरु? हाउ मेनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ऑफ द DRDO हैज बीन लॉन्च, हैज बीन अनवील्ड बाय द नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग इवेंट इन बैंगलोर? जल्दी बताइए. क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? 10, 8, 7, 5. सो हाउ मेनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज, तो कितनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज जो हैं प्रधानमंत्री जो आपने जो है अनवील करी थी इवेंट बैंगलोर में? तो याद रखिएगा, 5 लेबोरेटरीज जो हैं DRDO की जो है अनवील की गई हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब द्वारा. क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 5 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड आई स्टेम पोर्टल फॉर द रिसर्चर्स? जल्दी बताइए. सो कौन से मंत्रालय ने आई स्टेम पोर्टल फॉर द रिसर्चर्स? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? जल्दी बताइएगा. आई स्टेम पोर्टल फॉर रिसर्चर्स, सो किस मंत्रालय ने आई स्टेम जो है पोर्टल स्टार्ट किया है रिसर्चर्स के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? याद रखिएगा, राइट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है आई स्टेम स्टार्ट किया है पोर्टल रिसर्चर्स के लिए. राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, विच मिनिस्ट्रीज हैज सेट अप अ न्यू नोडल डिवीजन नेस्ट न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज टू डील द इश्यूज लाइक द न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? जल्दी बताइए. तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? जल्दी बताइए. क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? विच मिनिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज सेट अप अ न्यू नोडल डिवीजन नेस्ट न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज टू डील विद द इश्यूज लाइक द न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? ये बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है. राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज सेट अप द फर्स्ट एवर सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? जल्दी बताइएगा. सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन
है सेट अप द फर्स्ट एवर सिल्क प्रोडक्शन प्लांट. तो खादी जो हमारी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो है आज तक के इतिहास का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट राजस्थान गुजरात यूपी बिहार जल्दी बताइए. सो राइट आंसर क्या होगा यहां पर फास्ट. खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने जो है बेटा भारत का पहला सिल्क प्रोड्यूसिंग प्लांट जो है आपके कहां पे लगाया है. राइट आंसर विल बी बी दैट इज गुजरात विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 द वर्ल्ड्स ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड. ब्रेल डे कब मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 13 4 जनवरी 14 जनवरी 3 जनवरी 15 जनवरी. ब्रेल डे आपको मालूम है किसके लिए होता है. जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए वर्ल्ड ब्रेल डे होता है. और वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है. 4, 14, 3, 15 जल्दी बताइए. सो 4, 14, 3, 15 जनवरी किस दिन होता है वर्ल्ड ब्रेल डे हमें मालूम होना चाहिए. सो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ए जो कि होता है 4 जनवरी को. ठीक है 4 जनवरी इज द राइट आंसर. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है विच इंडियन स्टेट है सेट अप द फर्स्ट एवर रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स इन इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए बेटा विच इंडियन स्टेट पूछा गया है यहां पर फर्स्ट एवर रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द फ्रेश वाटर टर्टल्स. सो फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बोले तो पुनर्वास केंद्र बिहार यूपी पंजाब केरला जल्दी बताइएगा. हाँ नहीं 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 मिस्टर दत्ता हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं. सो याद रखिएगा किस स्टेट्स ने जो है फर्स्ट एवर रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है. क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका ए दैट इज बिहार. बिहार ने खोला है याद रखिएगा फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अपॉइंटेड जनरल इस्माइल कानी एज द कमांडर ऑफ द मिलिट्री यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरन ऑपरेशन जल्दी बताइएगा. जनरल इस्माइल कानी क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 अब आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक जनरल मारे गए थे बेटा ईरान के जिनका नाम था कासिम सुलेमानी. और कासिम सुलेमानी के मरने के बाद एक नए जनरल आए हैं जनरल इस्माइल कानी. फॉरेन ऑपरेशंस के लिए कहां पर होंगे. जाहिर सी बात है राइट आंसर विल बी डी जिसका नाम होगा ईरान. ईरान 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 ठीक है. सो ईरान विल बी द राइट आंसर. राइट आंसर विल बी डी ईरान में है बेटा. ठीक है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हु हैज वन द 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड इन द सिंगिंग कैटेगरी फॉर सिंगिंग इन 120 लैंग्वेजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है बेटा हु हैज वन द 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड इन द सिंगिंग कैटेगरी फॉर सिंगिंग इन 120 भाषाओं में गा सकती हैं. अंजना शर्मा प्रिया गांधी सरिता सिंह या सुचेता सतीत जल्दी बताइएगा. 120 भाषाओं में गाने के लिए 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड याद रखिएगा. हमारी भारतीय एक लड़की है जिनका नाम है सुचेता सतीश. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 17 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेट अप द फोर्थ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस RACS रिसेंटली एड जल्दी बताइएगा. इसरो ने जो है बेटा आप देख सकते हैं कि इसरो ने जो है सेटअप द फोर्थ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस कहाँ पे सेटअप किया है. क्वेश्चन नंबर 17 में जल्दी बताइएगा. तो ये रांची में है सूरतखल कर्नाटका में पटना में है रांची या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है. सो इसरो ने जो है फोर्थ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस कहाँ सेटअप किया है. राइट आंसर विल बी बी दैट इज सूरतखल. सूरतखल कहाँ पर है कर्नाटका में है. सो कर्नाटका के सूरतखल में इसे किया गया है. क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी है. 18 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17 हो गया 18 देखते हैं. 18 में देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिश वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाई चाइना जल्दी बताइए. गोल्ड फिश चौंड्रेस्टी पैडल फिश या ओशियन सन फिश. सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिश वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाई चाइना. तो चाइना ने किस फिश को जो है जल्दी कीजिए जल्दी बताइए कौन से फिश जो है डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाय चाइना. गोल्ड फिश कॉन्ड्रोस्टी या पैडल फिश या ओशन सनफिश. राइट आंसर विल बी सी दैट इज पैडल फिश को जो है एक्सटिंक्ट बताया है चाइना ने.
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर ऑफ द स्टेट। जल्दी बताइएगा। सो गरीबों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए कौन सी स्कीम आंध्र प्रदेश ने शुरू की है? YSR पुअर हेल्थ, YSR आरोग्य श्री भरोसा, YSR आरोग्य श्री स्कीम या YSR जला यज्ञम। जल्दी बताइएगा। सो कौन सी स्कीम जो है ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर ऑफ द स्टेट? YSR पुअर हेल्प, YSR आरोग्य श्री भरोसा, YSR आरोग्य श्री स्कीम या YSR जला यज्ञम। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा, YSR आरोग्य श्री स्कीम, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है और ये है, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्रेल वर्जन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर? जल्दी बताइए, ब्रेल वर्जन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द ब्रेल वर्जन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर? मनोज वर्मा, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली? सो एग्जाम वॉरियर नाम की जो किताब है आपको मालूम होना चाहिए, इसका जो है ब्रेल वर्जन निकाला गया है। इस ब्रेल वर्जन कौन दिखाता है, किसने लिखा है? मनोज वर्मा, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली साहब? सो बेटा ये किताब जो है लिखी है आपके श्री नरेंद्र मोदी साहब ने, ब्रेल वर्जन ऑफ द बुक जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर। तो ये हो गया बेटा आपके थर्ड, ये आपके थर्ड और फोर्थ जुलाई के क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ जनवरी के क्वेश्चंस हो गए बेटा। ये हमारा नया बैच आ रहा है, आप फटाफट इसमें एनरोल कर सकते हैं। कल से बैच शुरू हो चुका है 16 मार्च से। इसमें 300 प्लस आवर्स के स्टडी आवर्स मिलेंगे, 200 आवर्स के जो हैं लाइव क्लासेस, पीडीएफ क्विजेस, डेडिकेटेड डाउट सेशन। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं 8851900221, यहां पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं हमें किसी भी जानकारी के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए एग्जाम से रिलेटेड आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मिनट टिप्स ये हैं बेटा पिंकी कुमारी कि मेरा 13 मंथ्स का करंट अफेयर जो मैंने कराया था, जो कि जनवरी 2019 से जनवरी 2020 का जो करंट अफेयर मैंने कराया है, पिंकी जी इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत फायदेमंद है। यही लास्ट मिनट टिप्स हैं आपके लिए, ठीक है बेटा। ओके तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, कल ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में ये सारे लोग पढ़ाएंगे, डॉक्टर अमित सिसोदिया सर इसमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, रणधीर सर इसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और नीतू ढाका मैम साइंस, और मोहित कवात्रा सर इसमें जो है रीजनिंग का सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास आने के लिए, ठीक है बच्चों। तो मेरा कोड जरूर इस्तेमाल रखिएगा, QA लाइव एंड लेट्स क्रैक इट। एग्जाम को निकालेंगे नहीं, जड़ से उखाड़ देंगे, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।